मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात पर ध्यान देने जा रहे हैं कि अपने श्रापों को हम आशीषों में कैसे बदल सकते हैं। हाउ वी कैन टर्न आवर कर्सेस इनटू ब्लेसिंग्स। मेरे प्रियो, हाँ, एक है सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, इस दुनिया का बनाने वाला, हमको और आपको बनाने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता है। वो हमारे श्रापों को आशीषों में बदल सकता है। मेरे प्रियो, आज जबकि लोग विलाप करते हैं, ओ कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, मैं श्रापित हूँ, पता नहीं कहाँ से श्राप आ गया, मेरा व्यापार हर समय घाटे में रहता है, मेरा बिजनेस घाटे में रहता है, मैं जो भी नौकरी करता वो नौकरी वो छूट जाती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है, मुझे दूर की जगह में, गांव में जहाँ कोई जाना नहीं चाहता वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मेरे यहाँ मेरे परिवार में कितना खर्चा हो जाता है बीमारी के कारण, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति बार बार बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा लगा के, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के हम परेशान हो गए हैं, हम निराश हो गए हैं, थक गए हैं, इतने पैसे, हजारों लाखों रुपए ट्रीटमेंट कराते कराते ओ फिर भी चंगाई नहीं मिला, फिर भी ओ दर्द से राहत नहीं मिला, क्या करूं, मेरे खेत में बेमौसम बरसात हो जा रही है, मेरे फार्म हाउस में वो मेरे मुर्गियां, मेरी पोल्ट्री मर जा रही है अज्ञात बीमारी से, वो कुछ ना कुछ कारण से मेरी गाय भैंस मर जा रही हैं, मेरे जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसमें मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, बार बार वो ख़राब हो जा रही हैं, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, पंचर हो जा रही है, मैं अपनी जो गाड़ी में ऑफिस जाता हूँ, व्यापार में, अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में जाता हूँ, बार बार मुझे हानि 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 उठाना पड़ता है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं परंतु वो अपनी पढ़ाई आधी छोड़ के, अधूरी छोड़ के वापस लौटा है, हाय कितने अरमानों से, कितने वो खर्च करके, कितनी फीस, ट्यूशन फीस दे के हमने भेजा, परंतु वो मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए, अधूरा अपने कोर्स को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के आ गए, कितने बार मैं कोर्ट केस में फंसा हूँ, ओ मेरा ओ कोर्ट केस कितने सालों से खींचा जा रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई नतीजा नहीं मिला, बार बार मैं पराजय का, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं असफलता का सामना कर रही हूँ, क्या करूँ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि बिना किसी कारण के श्रव्यर्थ शाप नहीं पड़ता, कर्सेस डज नॉट कम विदाउट ए जेन्युइन कॉज। नीति वचन 26 और उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। तो हम आज ध्यान करने जा रहे हैं क्या कारण है जिसके कारण वो श्राप आते हैं। पहला कारण, भलाई करने से अपने आप को रोकना, फेलिंग टू डू गुड। भला करने की हमें सामर्थ है, वो हम अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की भलाई कर सकते हैं, परंतु हम नहीं करते, जानबूझकर हम किसी को देखते हैं, अरे वो तो भूखा है, वो उसके पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास कई कपड़े हो सकते हैं, परंतु एक भी कपड़ा उसको देने में हमें वो दिक्कत होती है, दुख लगता है, नहीं देते, हम निर्दयी बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है याकूब की किताब उसका 4th अध्याय और 17वां वचन, वहाँ लिखा हुआ है, ओ याकूब की किताब 4th अध्याय और उसका 17वां वचन, बड़ा सुंदर वचन है, वहाँ पर वो लिखा हुआ है, वहाँ इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मेरे प्रियो, फेलिंग टू डू गुड इज सिन। अगर भलाई करना आप जानते हैं परंतु आप नहीं करते, पाप है।
मेरे प्रियो, उसके कारण श्राप हमारे जीवनों में आ जाता है। क्या वो भलाई का आपको मौका मिल रहा है? वो दूसरों के पास, आपके मित्र के पास हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के पास वो फीस ना हो, उनका वो आपका रिश्तेदार अस्पताल में एडमिट है गंभीर बीमारी से, ऑपरेशन के लिए इतने लाख रुपए लगेंगे, उसके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास लाखों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, करोड़ों पड़े हुए हैं, क्या आप उसको देने के लिए इच्छुक रहते हैं? क्या आप उसकी मदद के लिए उत्सुक रहते हैं? यदि नहीं है तो अपने आप को जांच ले मेरे प्रियो। बाइबल बताती है अगर हम भलाई करने से रोकें, अपने आप को रुकें, तो ये हमारे लिए पाप गिना जाता है मेरे प्रियो। और वैसे ही हम उत्पत्ति की किताब उसका 4:7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर, तेरे दरवाजे पर छिपा रहता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर भलाई ना करें, इफ यू डोंट डू गुड द सिन इज एट द डोर, इसलिए सावधान हो जाए। ये वार्निंग का मैसेज परमेश्वर दे रहा है मेरे प्रियो। भूखे, नंगे, खंगाल, बेघर आपके पास हो सकता है 10 कमरों का घर हो, परंतु देख रहे हैं उस सड़क पे एक भिखारी पड़ा हुआ है, कोई उसको पूछ नहीं रहा खाने के लिए, वो ठंड में ठुठुर रहा है, हो बरसात में उसके पास छत नहीं है, क्या आप उसकी मदद करते हैं? मेरे प्रियो, अगर नहीं करते हैं, आज यीशु कह रहे हैं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता कह रहे हैं मदद करो तो श्राप नहीं आएंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा, एक डॉक्टर के जीवन में मेरे प्रियो। एक शहर में एक बड़ा नामी डॉक्टर रहता था, खूब फेमस था वो, प्रसिद्ध था, और कई लोग उसकी क्लिनिक में आते थे, और उसने एक नियम बनाया हुआ था कि रात के वो 10 बजे अपने घर को बंद कर देता था और सो जाता था। उसके बाद कोई भी उसके पास फ़ोन आए, घर में मरीज आए, कोई इमरजेंसी में, ओ क्रिटिकल केसेस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, और जिसमें इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली 10 बजे, मतलब 10 बजे घर का दरवाज़ा उसका बंद, नो एंट्री टू द पेशेंट्स, कोई भी मरीजों को आने की इजाज़त नहीं देता था। मेरे प्रियो, एक बार ऐसा हुआ, उसके पड़ोस में उसका एक मित्र रहता था, और अचानक से उसका पड़ोसी मेरे प्रियो, वो उसका 8 साल का बच्चा, अचानक से एक रात को वो खेल रहा था और गलती से उसने वो सिक्का उसके मुंह में वो चला गया और वो गले में अटक गया मेरे प्रियो, और उसकी सांस रुकने लगी, वो घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने पड़ोस के यही डॉक्टर के घर में खटखटाया, परंतु उस समय 10:30 रहे थे। डॉक्टर साहब खोलिए खोलिए, मेरे लड़के ने वो सिक्का निगल लिया है, उसका गले में फंस गया है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, मदद खींचे मदद खींचे। ऐसा करके जब वो खटखटा रहे थे, पुकार रहे थे, डॉक्टर साहब खोलिए जल्दी जल्दी, उसकी सांस थम रही है, वो ले नहीं पा रहा है, क्या करें? क्योंकि अस्पताल दूर था, बाजू में पड़ोस में डॉक्टर है, उन्होंने सोचा डॉक्टर से, अपने पड़ोसी से पहले डॉक्टर साहब से, जो बड़े प्रसिद्ध हैं, कई लोग आते हैं रोज उन्हें दिखाने के लिए, उनसे हम ओह हालेलुया इलाज कराएंगे, क्योंकि तुरंत इलाज ये इमरजेंसी सिचुएशन में वो दे पाएंगे करके। परंतु ये डॉक्टर साहब, उन्होंने उनकी पुकारने की, खटखटाने की आवाज़ को सुना, परंतु उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला।
और वो खटखटाते रहे 11 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक खटखटाते रहे, परंतु उसने डॉक्टर ने नहीं खोला। और वो 11 बजे के करीब वो लड़का की सांसें रुक गए, वो मर गया। और वो बड़े दुखी हुए, तुरंत जब उसका वो एकदम लगा मर गया है करके, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ सांस नहीं ले पा रहा है, तुरंत उन्होंने अस्पताल बोले कि डॉक्टर तो खोल नहीं रहा अपना दरवाज़ा, हमारा पड़ोसी हाय। और अस्पताल ले गए, वहाँ 1 घंटे का सफ़र था अस्पताल जाना। वहाँ पर डॉक्टर ने जो वहाँ अस्पताल में थे उन्होंने चेकअप किया, बोला यू हैव ब्रॉट ए डेड बॉय, मरे हुए लड़के को आपने लाया, मर गया ये, मर गया है। वो खूब रोए, खूब रोए। मेरे प्रियो, वो डॉक्टर को कुछ दिल में आत्मग्लानि नहीं हुई कि अरे क्या हो गया। वो दूसरे दिन वो पूरे लोग उसके घर में, जिस परिवार में उसका लड़का मर गया था, वहाँ इकट्ठे हुए, भीड़ थी, परंतु डॉक्टर को कोई शर्म या संकोच या आत्मग्लानि नहीं हुई कि क्यों मैंने उसको नहीं देखा। और उनका जो मरे हुए बच्चे का माता पिता ये कहने लगे, अगर डॉक्टर ने खोला रहता तो हमारा समय पर इलाज हो गया रहता, मेरे बच्चे का तो मेरा बच्चा जीवित रहता, अपने 8 साल के मासूम बच्चे को खो दिया। और मेरे प्रियो, महीने बीते, साल बीते, कुछ सालों बाद ये डॉक्टर का एक लौता लड़का था 12 साल का। और मेरे प्रियो, एक दिन अचानक डॉक्टर अपने क्लिनिक गया हुआ था, घर में उसका लड़का अपनी माता के साथ था, अचानक से वो घर में बैठा ही हुआ था, अचानक से वो लुढ़क गया, गिर गया बैठे बैठे अपनी कुर्सी में से। माँ ने उसको बोला अरे बेटे बेटे, वो कुछ जवाब नहीं दिया। तुरंत उसने अपने डॉक्टर पति को फ़ोन किया, डॉक्टर पति भागते हुए आए, देखा अपने बेटे की सांसें रुक गई है, वो समझ नहीं पाए। पोस्टमार्टम किया, कराया गया, ओ क्या हो गया जिससे मेरा 12 साल का, ओ उसको कुछ बीमारी नहीं थी, वो तंदुरुस्त था, क्यों मर गया। मेरे प्रियो, उसको समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा था, कोई बीमारी नहीं थी, कैसे मर गया अचानक। तब अचानक से उसके दिल में ये बात आई कि तेरा पड़ोसी 8 साल का बच्चे, जब उसके गले में वो सिक्का फंस गया था, तूने रात के 10:30 बजे वो इतना, वो लोग पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, खटखटाते रहे, परंतु तूने नहीं खोला, उसके कारण वो श्राप आ गया मेरे प्रियो। और इसलिए आइए ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें, प्रभु यीशु, मैं भलाई करने से रुकूंगा नहीं, संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर, हालेलुया, अगर मैं भलाई नहीं करूंगा तो मैं दोषी सिद्ध होऊंगा मेरे प्रियो। दूसरा कारण है कि श्राप क्यों आते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते मेरे प्रियो, ओ उसके कारण श्राप आते हैं हमारे जीवनों में। क्या आप आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो? अगर नहीं मानते हैं तो याद रखिए, श्राप आएंगे। ओ नीति वचन 13:13 में लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा कि से डरने वाले और मानने वालों को अच्छा प्रतिफल
मिलता है, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा मेरे प्रियो। आप बाइबल के वचनों को पालन करेंगे, उसने बाइबल में कई ढेर सारी आज्ञाएं हैं। तू लालच नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू खून नहीं करना, तू दूसरी स्त्री को वो बुरी दृष्टि से नहीं देखना, अपने माता पिता का आदर करना, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, और झूठी साक्षी ना देना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना। अगर हम ये काम करते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बोला है मेरे प्रियो, तो श्राप आ जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं श्राप कौन कौन से, किस प्रकार के आएंगे, किस किस टाइप के आएंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 15 से लेके उसका 68 तक, उसमें सारे श्रापों का वर्णन है। आप शापित हो जाएंगे अपने नगर में, खेत में, टोकरी में, ओ अपने घर में, आप आपकी संतान, भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां, ओ सब कुछ शापित हो जाएगा। ओ हालेलुया, आपको बड़े बड़े क्षय रोग, ज्वर, दाह, बड़ी जलन, तलवार और चुल्स और गेरोई से मरेगा मेरे प्रियो। आपके शत्रु से आप हार जाएंगे, फोड़े, बवासीर, दाद, खुजली, बीमारियां आ जाएंगी। अनजाने लोग, अनजान देश में आप गुलाम, आपकी संतानें गुलाम के रूप में रहेगी और फोड़े निकल जाएंगे आपके घुटनों टांगों में। ओ ओ उस प्रकार का आपके खेत में आप बहुत बीज तो बोएंगे परंतु थोड़े ही उपज काटेंगे, और टिड्डियाँ उसे खा जाएगी, और आप दाग की बाड़ियाँ लगाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे परंतु दाग का मधु आप पीने नहीं पाएंगे। अपने फल जो पेड़ों को लगाएं उसके फल भी आप खा नहीं पाएंगे, वे झड़ जाएंगे, वे झड़ जाएंगे, और आप उधार में हो जाएंगे। आपको उधार लेना पड़ेगा मेरे प्रियो, इसलिए याद रखिए आपको वो भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित कर देगा ये श्राप मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के वचन को मानने की प्रतिज्ञा ले लें। बोलिए यीशु, ऑर्डर माय स्टेप इन थाई वर्ड, लेट नॉट इनइक्विटी हैव डोमिनियन ओवर मी। प्रभु मुझे आपके वचनों के प्रति, आपके वचनों पर चलने के लिए आज्ञा दे, कोई मुझ पर अपराध, पाप, ओ अधर्म प्रभुता नहीं करने पाए। हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और एक और कारण है मेरे प्रियो, उसके कारण हमारे जीवनों में श्राप आ जाता है, श्राप आ जाता है, इसलिए हम अपने आप को जांचें मेरे प्रियो, जांचें कि हम कैसी चाल चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान है कि नहीं। अगर मानेंगे तो बहुत सी आशीषें हमें मिलेंगी, अगर नहीं मानेंगे तो ओ श्राप, श्राप, श्राप। ओ जकरिया की किताब 5वां अध्याय और 3रे वचन में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, जो कोई शपथ खाता वह उसके दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा।
चोरी मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ तू चोरी नहीं करना 10 आज्ञाओं में से। जब हम चोरी करते हैं दूसरों की वस्तु, दूसरों का मोबाइल, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के पैसे, ओ हम हो सकता है उधारी लिए हों, परंतु ओ जब चुकाने का समय होता है तो हम उनको ओ बोलने लगते हैं अभी नहीं चुका सकता। आपके पास हो सकता है पैसा हो उस समय, परंतु आप टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं उनके पैसे, उन्होंने बिना ब्याज के दिया, परंतु आप उसे वापस नहीं कर रहे अपने नियुक्त समय में, अपने वायदे में जो प्रतिज्ञा की है कि इतने समय को इतनी तारीख को मैं वापस कर दूंगा, नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके पास है फिर भी आप नहीं कर रहे। दूसरों की वस्तुएं, दूसरों का घर, दूसरों की ज़मीन, दूसरों का जायदाद, खेत आपने अपने कब्जे में कर लिया है, दुकान आपने कर ली है मेरे प्रियो। दूसरों की संपत्ति, पैसा, उसकी वस्तुएं अगर आपने की है, तो मैं आपको एक सावधान करना चाहूँगा, एक वार्निंग मैसेज देना चाहूँगा मेरे प्रियो। नहीं, श्राप परमेश्वर का आ जाएगा। ओ जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, चोर के घर में श्राप आएगा, क्योंकि जो कोई चोरी करता है उसके घर में श्राप पड़ता है। जकरिया 5:3-4 में लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, एक विधवा जवान बहन थी मेरे प्रियो, और उसके पति गुजर गए थे, देहांत हो गया था, और उसके बाजू में एक पुलिस ऑफिसर रहता था, और वो पुलिस ऑफिसर इस विधवा बहन का मदद करता था मेरे प्रियो। और उसके पास, ये विधवा बहन के पास नौकरी नहीं थी, परंतु उसके पति के वो मृत्यु के बाद, असमय मृत्यु के बाद उसे नौकरी की ज़रूरत हुई मेरे प्रियो। वो ढूंढने लगी और उसे एक विदेश में अच्छी नौकरी मिली। तो उसने जाने से पहले जितने भी उसके घर में गहने थे, वो अकेली थी, तो अपने बाजू के जो पुलिस ऑफिसर थे, उसके अंकल के, मीन्स उसको अंकल कहती थी, रिश्तेदार तो नहीं था परंतु वो उनसे बड़े थे, तो उनको बोलती थी अंकल सर। तो उन्होंने, ये विधवा ने शादी के समय जब उसको वो उसके पति की असमय मृत्यु हो गई, परंतु उसका पति बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और उसको जो भी वो उसके पैसे थे, सोना का गहने थे, उसने अपनी पत्नी को शादी के समय उपहार के रूप में दिया। तो बिना नौकरी के उसके उस पैसों से वो चला रही थी, परंतु जब वे विधवा बहन को विदेश में नौकरी मिल गई, वो जाने लगी मेरे प्रियो। और जब जा रही थी मेरे प्रियो, तो उसने सोचा, ये गहनों का मैं क्या करूँगी, क्या करूँ, कहाँ रखूँ जो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो उसको याद आया, अरे बाजू में तो वो पुलिस अफसर जो अंकल हैं, है ना, वो बड़े भी हैं आयु में और समझदार हैं, उनके पास मैं रख देती हूँ। और वो गई, बोली अंकल ये इसको आप रख लीजिए, ये सोने के गहनों को। मेरे प्रियो क्या हुआ मालूम, वो दे दी और वो विदेश चली गई। 2 साल बाद वो आई और उसे वो अपने एक रिश्तेदार के लिए, उसकी शादी के लिए उसको एक सोने का वो हार चाहिए था। तो उसने सोचा, मेरे को तो कितने हार मेरी शादी के समय मेरे पति ने दिया था, उसमें से मैं एक दे देती हूँ। और वो पुलिस अफसर के पास गई, अंकल जो मैंने गहने रखवाए थे, अपने जेवर रखवाए थे, मुझे वापस कर दीजिए, मैं अब यहाँ आ गई हूँ, मैं वापस, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मैं विदेश नहीं जाऊँगी, और मुझे मेरे रिश्तेदार की शादी में वो उसमें से कुछ गहने, कुछ हार मुझे देने हैं उपहार के तौर पर। तो पुलिस ऑफिसर बोलने लगा, कौन से गहने,
कौन से जेवर, कब दिया था तुमने? तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। वो दंग रह गई। She was shocked and surprised। ऐसा लगा कि उसकी हृदय रुक गया है। It was so disgusting। अरे वो चिल्लाई, अंकल मैंने आपको 2 साल पहले दिया था। बोला, कैसे तुम बोल सकती हो, मुझे तो कुछ नहीं दिया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या सबूत है? मेरी प्रियो, उसने अपने निर्मल मन से, निश्चल मन से ये पुलिस अफसर भाई पर, अंकल पर वो विश्वास किया था, परंतु उसके पास कोई सबूत नहीं था कि हाँ मैं दे रही हूँ, ये रख रही हूँ, तो उनसे साइन करा ले बॉन्ड पेपर में, या कुछ विटनेस लोगों को बता के ऐसा करे। उसने तो बड़े भोले मन से, सीधे मन से दे दिया, रखवा दिया अपने सोने के जेवर और गहने। परंतु क्या हुआ मेरे प्रियो, क्या हुआ? वो पुलिस अफसर मुकर गया, इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, वो इतना दुखी हुई, वो रोई, हाय अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया जो विदेश में, ओ अब मुझे नहीं वहाँ जाना है, परंतु मुझे यहाँ रहते हुए इंडिया में मेरे खाने के लिए, मेरे खर्चे के लिए पैसे चाहिए, अब वो कहाँ से आएंगे? और वो रोई और उसके आंसू ओ बड़े ही ओ हालेलुया ओ ज़्यादा तापमान के निकल रहे थे, बड़ी बड़ी बूंदें उसके आंसुओं की गिर रही थी। और उसने मन ही मन वो पुलिस अफसर को श्राप दिया कि तूने मेरे गहने, तूने मेरे पति की को गाढ़ी कमाई को, ओ जिससे मैं अपना जीवन अब निर्वाह कर सकती थी, तूने हड़प लिया अन्याय से। हो तुझे परमेश्वर देखेगा, श्राप देगा। ऐसा करके उसने पुलिस अफसर को कोसा, श्राप दिया। क्या हुआ मेरे प्रियो, 6 महीने बाद अचानक से वो जो अफसर था, बड़ा नामी और अच्छे पद पोस्ट में था, पदवी थी, अच्छा पोजीशन थी, अचानक ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उसको एक केस में उसने बड़ी गलती कर दी, भारी मिस्टेक, ब्लंडर कर दिया, और उसको निलंबित कर दिया गया। और उसका एक लौता लड़का था, उसका लड़का की असमय 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। और ये पुलिस अफसर निलंबित होने के बाद इतना प्रसिद्ध, और उसे बड़ा शौक लगा, हाय जहाँ मैं डिपार्टमेंट में काम करता था वहाँ से मुझे निलंबित कर दिया गया है। इतने शॉक के कारण, इतने डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और कई प्रकार की उसकी बीमारियाँ उसमें हो गई, नहीं तो अच्छा वो हस्ट पुष्ट पुलिस अफसर था, कोई ताकत और तंदुरुस्ती, लोग कहते थे देखो इसका बॉडी बिल्ड, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, परंतु बीमारियों ने उसे घेर लिया। और 8 महीने बाद वो डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से परेशान रहा, इलाज करा रहा था, अचानक से पता चला उसे कैंसर हो गया है, और वो कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। 8 महीने बाद असमय उसकी मृत्यु हो गई। रिटायर भी नहीं हुआ था मेरे प्रियो, केवल 55 साल की उसकी उम्र थी, उसमें वो मर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने चोरी की, वो दूसरे का सामान अपने पास रख लिया, और वापस मांगने पर उसने कहा नहीं तुमने कुछ दिया ही नहीं है। मेरे प्रियो, क्या आज दूसरों का खेत,
दूसरों का मोबाइल, दूसरों की गाड़ी, दूसरों का कार, दूसरों की ज़मीन, दूसरों के पैसे अपने पास आप रख लेते हैं, उन्हें लौटाते नहीं, नहीं नहीं, आज तुरंत 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 पछताप करें। Oh, confess your sins and forsake your sin. Jesus is eager to forgive you, cleanse you, wash you. आज वो आपको क्षमा करेगा, आपको शुद्ध करेगा, साफ करेगा। जाइए मेरे प्रियो, जिस किसी की भी वस्तु आपने लिए है, सामान लिए हैं, पैसे लिए हैं, ज़मीन ली है, घर लिया है, खेत लिया है, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। आपने हो सकता है रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को धोखा दिया हो, ओ माँ बाप को धोखा दिया हो, अपने मित्रों को धोखा दिया हो, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। आशीषें आएंगी, ओ श्राप दूर होगा, असमय मृत्यु, एक्सीडेंट्स, बीमारियाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आपने श्राप को दूर कर लिया है। मैं एक और सच्ची घटना बताना चाहूँगा जो मेरे पापा के जीवन में हुई। मेरे प्रियो, मेरे जो दादा थे वो रिटायर हो गए और उनका बदले में मेरे पापा को नौकरी मिली और उनका जो CPF लोन रहता है उससे मेरे दादा ने उनके लिए अपने लिए एक खेत खरीदा, ज़मीन खरीदी और मेरे पापा की शादी हो गई और अचानक से वो ज़मीन मेरे पापा के नाम पे थी। वो ज़मीन को मेरे दादाजी ने मेरे पापा से बिना पूछे बेच दिया। किसको? अपनी उनकी बहन के लड़के को। क्या हुआ कि लड़का उनके पास एक बार आया, बोला अरे आइए अंकल जी, मामू आइए हमारे घर में खाना खाइए। ऐसा करके उसने अच्छा चिकन करी बनाया और मेरे प्रियो अच्छे खिलाया और फिर बातों बातों में कहने लगा, अरे आपने तो ये ज़मीन खरीदी थी ना अपने बेटे के वो CPF लोन से, तो आप मुझे दे दीजिए करके। तो मेरे दादाजी ने वो ज़मीन को उनको दे दिया मेरे पापा से बिना पूछे हुए, मेरे प्रियो। और उसने वो ज़मीन लेके कुछ ही सालों में वहाँ एक बड़ा अच्छा फार्म हाउस बना लिया, 5 कमरे का बंगला, बंगलो, उसमें कुत्तों का रहने का भी इंतज़ाम है, चिड़ियों के पालने का भी इंतज़ाम है, पोल्ट्री का भी इंतज़ाम है। और मेरे पापा और मम्मी वो 2 कमरों के क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में रहने लगे, परंतु वो धूर्तता से, अन्याय से उसने दूसरे की ज़मीन को ओ धोखा से, ओ खाना खिला के, ओ खुश करके, ओ धूर्तता से, बाय डिसिट ही टुक दैट लैंड। उसने वो ज़मीन ली, साल बीतते गए, हम लोग 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, परंतु वो लोग 5 कमरों के बड़े मकान में रह रहे हैं। ओ चिड़ियाएँ भी है, कुत्ते का रहने का भी है, वो एक प्रकार का फार्म हाउस टाइप का उसमें बंगलो भी है, और वो कितना आलीशान अच्छे से रह रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ, साल बीतते गए, अचानक से एक बार अखबार में आया वो भाई मर गए। कैसे? केवल 50 साल की उम्र में मर गए। क्यों? क्यों? असमय मृत्यु बाइबल में लिखा हुआ है, यर्मिया की किताब 17 अध्याय उसका 11वां वचन, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है, उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूर्ख ही ठहरता है। मेरे प्रियो, अन्याय से उसने धन बटोरा और क्या हुआ, आधी आयु में जिस वचन के अनुसार वो अपना धन छोड़ के चला गया, 50 साल की उम्र में, छोटी उम्र में मर गया, जबकि अच्छा ताकतवर तंदुरुस्त था, कोई बीमारी नहीं थी। क्यों?
श्राप। और क्या हुआ, उसके बच्चे, उसकी लड़कियां थीं, दो तीन लड़कियां, और मेरे प्रियो दो तीन लड़कियां सब अन्य जातियों से शादी की उसने। और वो अन्य जाति कौम ऐसी है जिसमें आदमी को चार पत्नी करने का अनुमति है, तो सोच लीजिए वो कौम में उन्होंने, उनकी लड़कियों ने शादी की। और उनका एक लौता लड़का था, वो भी अन्य जाति में, वो भी वही कौम की लड़की से शादी किया। और एक दिन मैं कब्रिस्तान में गया तो मैंने उसका नाम देखा, अरे क्यों, क्या हुआ, उसका लड़का, एक लौता लड़का 35 साल की छोटी उम्र में मर गया। क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था। मेरे प्रियो क्यों हुआ ये बीमारी का श्राप, ये कैंसर का श्राप क्यों आया, उसने अन्याय से वो जमीन ले ली, धन बटोरा, वह आधी आयु में ही वो धन को छोड़ जाता है। मेरे प्रियो आज जहाँ उसने फार्म हाउस बनाया, बंगलो बनाया था, आज वो जगह एकदम रिजेक्टेड जगह हो गई है। सामने में ही उस अन्य जाति कौम का वो आराधना का वो वहाँ स्थान है, और वहाँ सुबह से शाम तक वो लोग पोंगा बसता रहता है प्रार्थना के लिए। और सोचिए उसी के घर के सामने और अड़ोस पड़ोस में वो जो पूरा उनका पड़ोसी और इलाका जो है वो पूरा अन्य जाति वो उस कौम से भर गया, जो जिनसे लोग वो थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा उग्र रहते हैं, वॉयलेंट रहते हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि अगर लोगों को बोला जाए, अरे वहाँ पर मकान सस्ते में मिल रहा है, वहाँ उस एरिया में ज़मीन सस्ते में मिल रही है, ले लो, तो लोग मना करेंगे, नहीं, भले सस्ता हो, भले ही आधी कीमत हो, 50% हो, हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो एरिया ठीक नहीं है। मेरे प्रियो श्राप, श्राप, अपने रिश्तेदारों की संपत्ति, अपने भाई बहनों का अधिकार लूटे नहीं, हड़पे नहीं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, गॉड इज़ अ गॉड ऑफ जस्टिस, बाइबल बताती है वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, यस यस, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करेगा, वो क्या न्याय करेगा। मेरे प्रियो भजन संहिता 7 और उसके 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर 3 तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए है, वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर क्रोधित रहता है दुष्ट के ऊपर, ओ जो ओ परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जो अन्याय से, ओ धोखाधड़ी से, धूर्तता से, दुष्टता से, घूस से, भ्रष्टाचार से वो पैसे ले लेते हैं। कई अधिकारी, सरकारी अफसर, बड़े बड़े पद में हम देखते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खूब घूस ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। उनके बच्चे, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके पापा वो PWD में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उसके मामा वो चीफ इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में। परंतु क्या हुआ मेरे प्रियो, वो खूब रईस था, ओ 2 नंबर की कमाई, घूस के पैसे, ओ दुष्टता के पैसे उसके घर में आते थे, वो बड़े आलीशान रूप से रहता था। और मेरे प्रियो
उसको जब वो पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग, मेरे प्रियो, अचानक से सेकंड ईयर में ही हो उसकी आदतें एकदम ख़राब हो गई। वो गलत जगहों में जाने लगा, वो गलत चीज़ों को लेने लगा, और जब सेकंड ईयर के बाद जब थर्ड ईयर में आए तो पता चला छुट्टियों के बाद वो आए ही नहीं। क्या हो गया उसको? पता चला कि पैरालिसिस हो गया। कैसे? उसने एक ड्रग ले लिया था अपने उसको शारीरिक ताकत को बूस्टअप करने के लिए, और वो पैरालाइज हो गया। उसके पापा ने करोड़ों करोड़ों घूस से, भ्रष्टाचार से पैसे कमाए, परंतु एक लौता लड़का उसका इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट कर पाया। और आज तक वो पैरालाइज्ड है, कोई इलाज नहीं डॉक्टर के पास। सोचिए, जवान लड़के को लकवा हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, कितना दुखदाई। क्यों? दुष्टता के पैसे, घूस के पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे। ना 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 ना, नहीं करें मेरे प्रियो। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, क्योंकि लिखा है जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, यीशु ने मेरे श्रापों को, आपके श्रापों को ले लिया है क्रूस पर, कि हम श्राप अपने जीवनों में, पाप की मजदूरी ना पाए, क्योंकि श्राप हमारे ले लिए गए हैं। और हमारा परमेश्वर हमारे श्रापों को आशीषों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे श्रापों को आशीषों में बदल दूंगा। व्यवस्था विवरण 23 और उसके 5वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। गलतियों 3 और उसका 13वां वचन, गलतियों 3 तीसरा अध्याय और उसका 13वां वचन में लिखा हुआ है, मसीह ने, यीशु मसीह ने, जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। Cursed is a man who is hanged on the tree. यीशु, यीशु मेरे भाई मेरी बहन, आपके श्रापों को उसने ले लिया। आज आप सुन रहे हैं, वो आज आपको श्रापों से आज़ाद करेगा। पारिवारिक श्राप, हेरिडिटरी श्राप, ओ हेरिडिटरी कर्सेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मे बी द कर्सेस आर फॉलोइंग, द लॉर्ड जीसस विल ब्रेक इट, बिकॉज ही बिकेम ए कर्स on the cross. He was naked, he was all alone, he was forsaken for you, aapke liye mere bhai meri behan, aapke liye, hallelujah. Isliye galtiyon 3 aur uske 29 mein likha hua hai, yadi tum masih ke ho to abraham ke vansh aur pratigya ke anusar waris bhi ho. Oh, you are an inheritor. आप वारिस है, हालेलुया। You are a higher of Christ, अब्राहम के वंश हैं। You are a seed of Abraham, and according to promise, you are an higher. Yes. आप वारिस हैं. You will receive your inheritance. अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था? उत्पत्ति 12 और उसका 2 और 3 वचन में बड़ा सुंदर वचन, सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को दी। कहता है उत्पत्ति 12:2-3 में, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो आपको श्राप देंगे वो खुद श्रापित हो जाएंगे, परंतु जो आपको आशीष देंगे, हालेलुया, उन्हें परमेश्वर आशीष देगा। आप आशीष के मूल होंगे, आशीषें आपके द्वारा लोगों तक
बहेगी पहुँचेगी, आपका नाम बड़ा करेगा, आपका नाम महान करेगा, आपका नाम फेमस करेगा। ही विल मेक यू ए ग्रेट नेशन। ओ आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट एंड यू शैल बी ए ब्लेसिंग। द अब्राहम ब्लेसिंग्स आर योर्स। अब्राहम के जीवन में जो प्रतिज्ञा दी गई है आपकी है, आप अब्राहम के वंश हैं और उसके परमेश्वर ने जो उसके साथ प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार आप वारिस हैं। हालेलुया, इन सब आशीषों के वारिस हैं। ओ यस यस यस, यू आर एन हायर ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स। ओ हालेलुया, ओ यू आर फ्रॉम द सीड ऑफ अब्राहम। यू विल बी ब्लेस्ड माय ब्रदर, यू विल बी ब्लेस्ड माय सिस्टर। डोंट वरी, डोंट वरी, ओ गॉड ऑफ अब्राहम इज विथ यू। एवरीवन हु कर्सेस विल बी कर्स्ड एंड हूएवर ब्लेसेस यू शैल बी blessed. Hallelujah, what a great God we have, what a wonderful God we have. If you are a Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Galatians chapter 3 verse 29 says so. Hallelujah. Mere priyo, Bible mein se hum ek udharan dekhenge. Kai baar hota hai, are mere माता पिता ने, मेरे बाप दादों ने श्राप दिया हुआ है मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, और वो श्राप पीढ़ी से पीढ़ी तक चला आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरे पुरखाओं ने की थी, परंतु क्या वो श्राप को तोड़ा जा सकता है? आपके पुरखाओं की गलतियों की सजा, श्राप क्या तोड़े जा सकते हैं? ज़रूर तोड़े जा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, बाइबल में उदाहरण है मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 49 चैप्टर और 5 और 7 वचन, 5 से लेकर 7वां वचन, वहाँ पर याकूब आशीषें और श्राप दे रहा है भविष्यवाणी के रूप में। वो कहता है उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 5वां, 6वां और 7वां वचन, सिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। मेरे प्रियो, सिमोन और लेवी को याकूब ने, उनके पिता ने श्राप दिया। क्यों? क्योंकि वो बड़े क्रोध से भर गए थे, बड़े रोष से भर गए थे, निर्दयी बन गए थे, और उन्होंने लोगों को मारा, मार डाला। मेरे प्रियो, उसके कारण उनके जीवन में ये श्राप उनके पिता याकूब ने दिया था लेवी और शिमोन को। परंतु यदि हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या वो श्राप के कैसे आधीन रहे या कैसे उन्होंने उस श्राप से छुटकारा प्राप्त किया, उन्होंने गुस्सा किया था, क्रोध किया था, हत्या की थी, क्रोध से भरकर गलती तो हो गई थी, परंतु क्या उनका डेस्टिनी, क्या इनका फ्यूचर बदल सकता था, भविष्य बदल सकता था, उनकी पीढ़ियां बदल सकती थी? यस यस यस, परमेश्वर की आशीषों से, वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए कैसे उसकी उनके श्राप आशीष में बदले, मेरे प्रियो, यदि हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय 25 से लेके 29 वचन तक, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 25 to 29, वहाँ लिखा हुआ है निर्गमन 32:25 से लेकर 29 तक, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। मेरे प्रियो, इन्होंने क्या किया था? सोने का बछड़ा इसराइलियों ने बना लिया था। जब उन्होंने देखा कि मूसा को पर्वत में उतरने से विलंब हो रहा है, तो वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, और हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना दे। तो उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, और जब मूसा
उतरा, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, 26वें वचन में लिखा है, उनको निरंकुश देकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। आमेन, हालेलुया। लेवी लोग, जब मूसा ने पूछा कौन मेरे साथ है, कौन परमेश्वर के साथ है, मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ, परमेश्वर का ओ हालेलुया सेवक हूँ, कौन यहोवा की ओर है वो उसके पास आ जाए, तब सारे लेवी लिखा है उसके पास इकट्ठा हुए। दे चोज गॉड, दे चोज टू फॉलो गॉड्स सर्वेंट, दे चोज टू फॉलो गॉड्स लॉ, दे सेड वी वांट टू बी ऑन गॉड्स साइड। और उसके बाद ये आशीषें उन्हें मिली कि ओ हालेलुया, ये लेवी लोग ओ याचक पद का ओ हालेलुया उनको आशीष मिली। ओ तब से लेके लेवियों में ही वो याचक पद उनको दिया जाता था। हालेलुया मेरे प्रियो, वो लेवी का कर्स श्राप जो है आशीष में बदल गया। ओ याकूब ने, उनके पिता ने श्राप दिया था, परंतु मूसा के समय उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना चुना। ओ तो वो आशीषों के भागीदार रहे, परमेश्वर ने उन्हें अपने याजक के रूप में नियुक्त किया। ओ जीसस विल अपॉइंट यू, गॉड विल अपॉइंट यू टू बी हिज एम्बेसडर। ओ परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा अपने प्रतिनिधि के रूप में इस दुनिया में, आपके श्रापों को मिटा के, आपके श्रापों को हटा के आनंदित हो। रिजॉइस माई ब्रदर, चीयर अप माई सिस्टर, गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा। He will make you a blessing. He will make you a blessing. आपको आशीषों का सोता बनाएगा। Hallelujah. धन्यवाद दें यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे सारे श्रापों को क्रूस पर ले लिया है। और जब मूसा अंतिम आशीषें दे रहा था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का नबी जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जैसे मित्र वो आमने सामने बात करते हैं, मूसा वैसे ही बात करता था। वो क्या कहता है व्यवस्था विवरण में, क्या आशीष देता है, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 उसका 8 से लेके 11 वचन तक, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 8-11। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुमीन और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उसको नहीं जानता। मेरे प्रियो, आगे में लिखा हुआ है, 10वें वचन में लिखा हुआ है, वे याकूब को तेरा नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर पशु सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। वो परमेश्वर के लोगों को ले, लेवी लोग आशीष पाके परमेश्वर के नियम सिखाएंगे, व्यवस्था को सिखाएंगे। और 11वें वचन में लिखा हुआ है, यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे, उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, और उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि फिर ना उठ सके। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी आशीष मिली कि उसके विरोधी इस संसार में, ओ विरोधी लोग रहते हैं, आपके विरोधी, ओ आपके बैरी लोग, परंतु देखिए परमेश्वर की आशीष से, ओ मूसा जब उनको आशीष दे रहा है, तो लेवी को जो श्रापित था याकूब के द्वारा, परंतु मूसा के द्वारा आशीषित हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओ परमेश्वर का साथ रहना चुना, अपने ओ परमेश्वर के दास मूसा के साथ उसकी ओर रहना चुना। दे चोज टू फॉलो गॉड, टू फॉलो गॉड सर्वेंट मोसेस, दैट्स व्हाई ओ उसके विरोधियों और बैरियों की कमर ओ हालेलुया पर परमेश्वर ऐसा मारेगा कि फिर वो ना उठ सकेंगे।
What a mighty God, He can fortune change your fortune. वो आपकी तकदीर को, वो आपकी तस्वीर को बदल सकता है. Yes, 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 God can. God can change your curses into a blessing. Deuteronomy chapter 23 verse 5 says, Oh, गिनती की किताब 23 में लिखा हुआ है, जो भी जादू मंत्र आपके ऊपर किया जा रहा है, जादू टोना किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कोई भी सफल नहीं होगा, सब विफल होगा. No deviation, no magic against God's children. Because you are blessed by God. Hallelujah. Oh, you are a seed of Abraham. आप अब्राहम की संतान हैं, प्रतिज्ञा के हकदार हैं, के वारिस हैं. और Deuteronomy 33 और उसका 11वें वचन में लिखा है, Bless his substance, Lord, and accept the work of his hand. Strike the loins of those who rise against him and of those who hate him. That they rise not again. Hallelujah. Mere priyo. Oh, God will be enemy to your enemies. To your, those who hate you, those who trouble you, those who oppose you. He will fight with them. He will disappoint them. He will discourage them. Oh, he will make invisible. Oh, he will make you invisible to your enemies. He will hide you from the opposition, from the critics, from the naysayers. Hallelujah. वो आपको ऐसा बना देगा कि आप उनके out of reach रहें, आपके बैरियों से, विरोधियों से, मेरे प्रियो, आपके enemies से, आपके जो अपोज करते हैं उनके आउट ऑफ रीच बना देगा, उनके प्लान्स को स्टॉप करेगा, वो रोकेगा जो आपके शत्रु, जो आपके बैरी, जो आपके विरोधी बनाते हैं. मेरे प्रियो, कितना सुंदर परमेश्वर ओ है, यीशु मसीह है, जो हमारे श्रापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया. जंजीरों में जकड़े हुओं को जंजीरों से मुक्त होना है, घायल किए हुए सबों को कलवरी के पास लाना है, प्रभु से नजर मिलाना है. हे प्रभु हे यीशु श्रापों को पापों को जीवन से मिटाना है, जीवन से भगाना है, पापों को श्रापों को जीवन से मिटाना है, जीवन से भगाना है. कलवरी के क्रूस पर दृष्टि करो, यीशु ने श्रापों को उठा लिया, आपके मानव जाति के सारे श्रापों को यीशु ने उठा लिया. प्यारे यीशु, मेरे भाई बहन जो इस संदेश को सुने, पिता बड़ी विनम्रता से, पिता ओ धीरज के साथ उन्हें अपने गले से लगाइए, अपने दयालु आशीष भरे हाथ रखकर आशीष दीजिए, सारी बीमारियों से चंगाई दीजिए, सारा गरीबी, सारा अकाल, कमी घटी उनके जीवन से दूर कीजिए, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, उनके परिवार को, उनके घर को, उनके बच्चों को, ओ उनके व्यापार को, उनकी नौकरी में, उनके घर में, उनकी संपत्ति में, ओ प्रॉपर्टी में, खेत में, ओ हालेलुया, ऑफिस में, अपनी शॉप में, उन्हें आशीष दीजिए. ब्लेस देम, इंक्रीज देम, आशीष दीजिए. आज उनका ओ हालेलुया श्राप आशीषों में बदल जाए. टर्न देयर कर्स इनटू ब्लेसिंग, ऑल बिकॉज वी प्रे इन जीसस मैग्निफिसेंट माइटी मर्सीफुल मैजेस्टिक ओ मिराकल वर्किंग मल्टीप्लाइंग
हालेलुया, मार्वलस नेम, हालेलुया, यस लॉर्ड, आपके अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे, श्रापों को तोड़ने वाले, आशीषों के देने वाले, श्रापों को आशीषों में बदलने वाले नाम से, यीशु के सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, सर्वसामर्थी, सर्वशक्तिमान नाम में, सर्वव्यापी नाम में मांगते हैं, द ग्रेटेस्ट नेम, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम, द हाईएस्ट नेम, द रिचेस्ट नेम ऑफ जीसस, वी आस्क ऑल दिस ब्लेसिंग. हर एक भाई हर एक बहन को अपने गले से लगाइए, छाती से लगाइए, पिता उन्हें चूमिए, किस देम एंड ब्लेस देम, यीशु के नाम में, आमीन आमीन. बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यू आर टर्निंग माय कर्सेस इनटू ब्लेसिंग, यू हैव टर्न्ड इट लॉर्ड, यस आई विल बी ब्लेस्ड, माय जनरेशन विल बी ब्लेस्ड, माय फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड, मेरा भविष्य आशीषित होगा, मेरी पीढ़ी, मेरी संतानें आशीषित होंगे, मेरे परिवार, मेरा व्यापार, मेरी ओ भोजन वस्तुएँ, मेरा प्रॉपर्टीज, मेरी गाड़ी, ओ मेरा सब कुछ आशीष होगा, आशीषित होगा, आमेन आमेन. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमेन 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 आमेन. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमेन आमेन आमेन. हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, बाय.